मध्य प्रदेश के धार जिले में मॉब लिंचिंग के दौरान एक व्यक्ति के मौत के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर तूफान मच गया है। मॉब लिंचिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। मौके पर धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और क्राइम की टीम पहुंची और पंचनामा बनाया। इस जघन्य घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप ने बताया कि इस मामले में पुलिस को दोषी मानते हुए मनावर थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान सहित 5 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस घटना में जो आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें ग्राम पंचायत जूनापानी के भाजपा सरपंच रमेश जूनापानी सहित गालियां व सत्या को गिरफ्तार कर जांच जारी है। तीनों आरोपियों को धार जिले के तिरला थाने में रखा गया है। आप भी सुनिए धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा। जो घटना हुई, उस घटना में 5 लोग इंजर हो गए, व्यक्ति की मौत हुई है और उसमें 302-307 की धाराएं मुर्गा की धारा में बदलावत किया गया है। 3 लोग अवतार सिंह भगवान और जाम सिंह उनको नामजद किया गया है। उसके अलावा आज कल रात को दबिश और सुबह के दबिश में पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें रमेश जो सरपंच हैं जूनापानी का, सतिया और गलिया नाम के 2 व्यक्ति जो उदियापुरा गांव के रहने वाले हैं, गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को भी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी होगी। सर, इसमें आप कितने पुलिस वालों को निलंबित किया गया? देखिए, प्रथम दृष्टया ऐसा कंप्लेनेंट्स का कहना था कि पुलिस लेट पहुँची, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए TI और 5 अन्य लोग और ASI 1 सब इंस्पेक्टर और 3 कॉन्स्टेबल्स को सस्पेंड किया गया है और जांच SDOP सरदारपुर को दी गई है। उसके अलावा एक SIT का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल SP CSP कोतवाली, 2 TI, 3 सब इंस्पेक्टर्स, क्राइम ब्रांच प्रभारी, एक टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले की विवेचना करेगी और गिरफ्तारी इंश्योर करेगी। सर, इस घटना संबंधित थाने से भी किन पुलिस वालों को निलंबित किया गया? देखिए, उसमें जो संबंधित थाना है वहाँ पर भी इसमें भी जाँच चल रही है कि उसमें उनका क्या रोल था, यदि किसी गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ कार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।